सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। सो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न फॉर द अपकमिंग रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम 2024 एंड एज पर द करेंट और फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। तो इससे पहले हमने सिलेबस एंड पैटर्न के ऊपर एग्जाम के ऊपर बनाया है वीडियो, बट वो 2029 के जो PDF है उसके बेसिस पे, लेकिन क्या कुछ चेंजेस है उसको एक बार देखेंगे। इस बार के हिसाब से हम लोग वीडियो को बनाएंगे, एग्ज़ाम के ऊपर थोड़ा सा बताएंगे हम, और उसके साथ साथ जो करंट और रेगुलेटेड एंड रिवाइज्ड सिलेबस है उसके ऊपर भी। एज यू नो ये लोग सिलेबस देते नहीं है, मतलब बस आपको एग्ज़ाम्स के कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है, वो आपको बता देंगे, लेकिन आपको स्टडी करना है खुद से, राइट? ये डिटेल में आपको बता नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन लो, क्योंकि ये बस एक सब्जेक्ट दे देंगे, आप उस सब्जेक्ट के कहीं पे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपको A to Z सब कुछ प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है? अब फार्मासिस्ट के लिए आप बताइए, आप सबको इसके बारे में मैंने ऑलरेडी ये पूरा डिटेल इसके बारे में वीडियो बना दिया है इससे पहले, आप एक बार जाके देख लो, ठीक है? चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और ये है रेलवे वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट, मतलब किस जोन पे कितने सारे वैकेंसीज है आपको मिल जाएंगे इजीली, आप कोई भी एक जोन पे अप्लाई कर पाओगे। मल्टीपल एप्लीकेशन इज़ नॉट अलाउड, रिमेंबर। तो अब है ये सिलेबस की बारी। सिलेबस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग फार्मासिस्ट की तरफ। ध्यान से सिलेबस को देखो, सिलेबस है फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड, राइट? तो पहले इसको Grade 3 बोला जाता था ऐसे, अभी एंट्री ग्रेड लिखा गया है। ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर B Pharm में रहता है, राइट? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ओके, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब हम सेम वन पे हैं। रेमेडियल बायोलॉजी, रेमेडियल मैथमेटिक्स, इनको भी इंक्लूड किया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है यहाँ पे, मेडिसिनल केमिस्ट्री, कोलॉजी, कोग्नोसी एंड फाइटोकेम, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ठीक है, ज्यूरिसप्रूडेंस, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड काइनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, QA क्वालिटी एश्योरेंस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, फार्मेसी प्रैक्टिस, NDDS नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, रेगुलेटरी साइंस और रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग, सेल एंड मलिकुलर बायोलॉजी, सेल एंड मलिकुलर बायोलॉजी CAD, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स, कॉस्मेटिक साइंस, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स, डाइट्री सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रासिटिकल, ये है सारे हमारे यहाँ पे सिलेबस। इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि हम बात करें CAD की, मोलिकुलर सेल बायोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी एंड एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे आपको मिलेंगे M Pharm में बेटर, ये M Pharm के ही सब्जेक्ट है एक्चुअली। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे सारे B Pharm से। और ये डाइट्री सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, यहाँ पे हम लोग का है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन, फार्माकोविजिलेंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये कुछ न्यूली एडेड सब्जेक्ट्स हैं मतलब सिलेबस में, जो पहले बस टॉपिक के हिसाब से था, अभी ये अलग अलग एक सब्जेक्ट्स है। जैसे कि कोविजिलेंस ही मान लो, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड डाइट्री सप्लीमेंट को ही मान लो, राइट? तो इन ये है माइनर सब्जेक्ट्स। मेजर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं जो आपको अच्छे से सबसे पहले प्रिपेयर करना है, एक तो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये एनालिसिस और ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, दोनों को साथ में कर लेना, ठीक है? इंस्ट्रूमेंटल मेथड, इस पे तो बस मोलारिटी वो वाला पार्ट्स, ठीक है, वो जो मैथमेटिकल कुछ है वो उससे इनाफ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मेन जो है यहाँ पे, एक तो है एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स, ये M Pharm का सब्जेक्ट है, मतलब जिसमें आपको डिटेल में स्टडी करना है एक्चुअली। और एक है हमारा यहाँ पे जो जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस है, ठीक है? ये दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो QC है, क्वालिटी कंट्रोल, ये वाला इसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर वो अच्छे से कर लोगे तो, ओके? ये हो गया आपका एक पहले। तो अभी आते हैं फार्मास्यूटिक्स। स्यूटिक्स में मतलब आपका सब कुछ, स्यूटिक्स 1, स्यूटिक्स 2, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, ठीक है?
सारे सब्जेक्ट्स, स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिक्स वन एंड फार्मास्यूटिक्स टू, इंक्लूडेड डिस्पेंसिंग फार्मेसी, इंक्लूडेड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स वन एंड टू, और एक है फार्मास्यूटिक्स राइट, जिसमें प्रेस्क्रिप्शन वगैरह रियोलॉजी वगैरह है स्टार्टिंग वाला। ओके, ये हो गया आपका एक मेजर। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, मतलब अगर हम फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो इंजीनियरिंग भी आपको करने है थोड़ा थोड़ा करके। एंड यहाँ पे हम बात करें तो एक है हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेसी प्रैक्टिस एक है कोविजिलेंस, इनको साथ में कर लेना, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, ओके, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इस टाइम पे, रेगुलेटरी साइंस और रेगुलेटरी अफेयर्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये छोटा छोटा सब्जेक्ट्स है बट इम्पॉर्टेंट है, लाइक कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ज़रूर और आपको उनको सॉल्व करना है बाय एनी हाउ, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स का प्रॉब्लम एक ही है, बहुत सारे ह्यूज सिलेबस है तो हो सकता है आप लोग कुछ मिस करो, लाइक सारे क्वेश्चंस आपके ना आए कॉमन राइट, तो आपको माइनर वाले से वो नंबर्स आपको मेकअप करने हैं। कुछ सब्जेक्ट्स जिनके सिलेबस बहुत ह्यूज है लाइक इस टाइम पे बहुत मुश्किल है करना, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक तो है हमारा फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूज सिलेबस राइट, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री लाइक भूल चुके हैं हम लोग इस टाइम पे, तो इनको आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, जस्ट थोड़ा थोड़ा करके होल सिलेबस ना करके एग्ज़ाम बेसिस पे जो क्वेश्चन आंसर है उनको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, यू नो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे कुछ सब्जेक्ट्स, इवन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बट एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपकी मर्जी है, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। उसके बाद है हमारा बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, इस पर आप जो कंपार्टमेंट ओपन मॉडल्स है उनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे फार्माकोलॉजी की तरफ, तो कोलॉजी आपको पूरा करना है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, और कोलॉजी करने का बेस्ट वे है आप लोग कोलॉजी करो, ठीक है, और मेडकेम का बुक ओपन रखो, मेडकेम का बुक से आप लोग बस एसएआर और कुछ इम्पॉर्टेंट एसएआर्स और जो प्रिपरेशन है मतलब सिंथेसिस जो इम्पॉर्टेंट है उनको अलग से करो, बाकी सब कुछ आपका कोलॉजी से ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है अलग से दिया गया है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, ये थोड़ा थोड़ा करके एक बार रिवाइज कर लेना अगर कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आपका दे दे तो राइट। ऑल राइट, ये जैसे कि आप लोग सैंड्राइजेशन ऑफ हर्बल्स, ये आपको कोग्नोसीम सब्जेक्ट में ही मिल जाएंगे तो उसी में आप कर सकते हो, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी तो पूरा एमफार्म का सब्जेक्ट है, आप चाहो तो एमफार्म फार्माकोलॉजी का एक बार बुक देख सकते हो। कॉस्मेटिक साइंस का भी सिमिलर है, ऑल्दो कॉस्मेटिक्स का आपको बीफार्म में भी थोड़ा मिलेंगे, तो कॉस्मेटिक्स आप लोग जो प्रिपरेशन है तो डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन है उनको एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, ये माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, मेनली जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको आप क्वेश्चन एंड आंसर ज़्यादा प्रिपरेशन करो, डिटेल एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करो एज मच एज पॉसिबल। ओके, एंड इंक्लूडिंग जैसे कि फार्मेसी प्रैक्टिस, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी और एक्सेट्रा, जितने भी मैंने माइनर सब्जेक्ट्स ऐड किए, ये कुछ माइनर सब्जेक्ट्स जो आपको नंबर्स देंगे, एंड प्रिपरेशन भी इजी है, बहुत इजी टास्क है और सिलेबस भी उतना नहीं है, छोटा छोटा बुक है हो जाएगा। और कुछ जैसे मैंने बताया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आते हैं हमारा यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, यू नो, माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूज सब्जेक्ट है, ह्यूज सिलेबस, लेकिन क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं होंगे, इनको थोड़ा अवॉइड करो आप लोग। इंडस्ट्रियल फार्मेसी अच्छे से करना आपको, लिवरमैन से बुक्स आप कर सकते हो इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इसमें आपका पूरा फार्मास्यूटिक्स का बहुत सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि टैबलेट, कैप्सूल, डोजेज फॉर्म सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएंगे मैक्सिमम डिटेल में। जूरिस्प्रूडेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, ये साथ में आपका हो जाएगा, जूरिस्प्रूडेंस कर लोगे वही इनाफ है, ठीक है, पूरा जूरिस्प्रूडेंस ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ज़रूर और आपको करने हैं वहाँ पे। सिमिलरली मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा फॉर द हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, जो कि इंक्लूडेड है हमारा जूरिस कोग्नोसी के साथ, तो फार्माकोग्नोसी अच्छे से करो क्योंकि वो मार्क्स देंगे आपको, एंड बहुत ही लाइक टू दी पॉइंट क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, ह्यूज सिलेबस है बट क्वेश्चंस बहुत टू दी पॉइंट आता है, स्ट्रेट कट क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप थोड़ा प्रिपरेशन लोगे तो आपका हो जाएगा। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का प्रिपरेशन हो गया,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा नोट्स जो है एक बार रिवाइज कर लो एज़ पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि नेम रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड बाकी यही बस है मेन चार सब्जेक्ट्स और उनके एसोसिएटेड कुछ सब्जेक्ट्स हैं और कुछ माइनर सब्जेक्ट्स हैं। मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट्स ही एसोसिएटेड होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल के तो आप बुक भी अवेलेबल है, आप चाहो तो कर सकते हो, डाइटरी सप्लीमेंट्स, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा सिलेबस, ऑल राइट। एंड जनरल पार्ट की बात करें जो कि है सारे पोस्ट के लिए कॉमन, तो यहाँ पे आपको एक तो इन दोनों के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको जनरल साइंस, ये आपका है फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका बॉटनी एंड जूलॉजी मतलब लाइफ साइंसेस, आपको 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस। तो आप ये 10th ना फॉलो करके 12th का फॉलो करो ताकि थोड़ा बेटर हो आपके लिए, ठीक है। ओके, तो आपका ये आई थिंक आपका विद इन 5 days थ्योरी कम्प्लीट हो जाएगा, 3 days में भी हो जाएगा कम्प्लीट अगर पूरा दिन दोगे तो, और बाकी रेस्ट ऑफ द डेज आप प्रिपेयर करो क्वेश्चन आंसर एज मच पॉसिबल। ये हो गया आपका ख़त्म, ज़्यादा कुछ है नहीं इस पर। आप 12th के एक बार अपने नोटबुक्स ओपन कर लोगे तो आपका हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो देख रहे हो आप लोग, ये इसका तो कोई इलेक्ट्रिक नहीं होता है ना, इसका आपको एज मच पॉसिबल लास्ट 6 months का, तो स्टिल मैं आपको बताना चाहूँगा इफ पॉसिबल लास्ट 1 year और इफ़ नॉट देन लास्ट 6 months मिनिमम, ये आपको प्रिपरेशन मतलब देख के रखना है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ प्रीवियस भी, प्रीवियस जियो इकोनॉमी हिस्ट्री सारे जो भी है, जैसे कि पहले तो ये लोग करंट अफेयर्स बोल रहे हैं, बाकी इंडियन जियोग्राफी कल्चरल हिस्ट्री इस पे से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, राइट। एंड रिलेटेड टू रेलवेज, रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटिक्स, रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स लाइक ओलंपिक्स, रिलेटेड टू द रिसेंट चेंजेस इन पार्लियामेंट एक्सेट्रा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन व्हिच आर गोइंग टू कम इन दिस एग्जाम, ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग्स। और इन दोनों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके जो प्रिपरेशन है वो डिपेंड करता है आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है, कितना है। अगर ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं तो हर एक जो देख रहे हो ना एक दिन करके सॉल्व कर लो, मतलब जो भी जितने भी टॉपिक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके जितने भी है हर एक दिन पे एक पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करना होगा। आप चाहो तो यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब पे आप डायरेक्टली सर्च करोगे RRB लिख देना बस, जो भी सब्जेक्ट करो उससे पहले कि RRB बॉडमास, तो आपको क्वेश्चंस आंसर्स इंक्लूडिंग थ्योरी मिल जाएंगे, जितने टॉपिक्स है उतने दिन में आपका कंप्लीट कर लोगे तो हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि पैरेलली, क्योंकि उसके साथ आपको दूसरे प्रिपरेशन भी ऑन रखना है, ठीक है। ऑल राइट, ये है सेक्शन वाइज मार्क्स आपका 70 और 10, 10, 10। जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन, इसको बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे पूरा मार्क्स, तो इसमें से ट्राई करो कि आपका मिनिमम 8 ठीक हो जाए इसमें से। इसमें से जो अरिथमेटिक जनरल 10 से मान लो आपको मिल रहा है यहाँ पे 4 की 5, अवेयरनेस से आपको 10 से 4 या 5 मिल गया, और ये 70 से आपका मिल गया मान लो 50 तो करेक्ट करके आओ मिनिमम जितना हो सके अपर, ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे काम। और CBT मोड का एग्ज़ाम है 90 मिनट्स ड्यूरेशन, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 1/3 आपका नेगेटिव होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर डिटेल्ड नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू दिस एग्जाम। थैंक यू।